हाय गाइस, इज एम साक्षी भावा एंड यू वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कलोर सो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं इस चैनल पर सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को भी हिट कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए यू आर वाचिंग द एरर डिटेक्शन सीरीज़ जो आईबीपीएस बी क्लर्क के लिए मैं आपको टू प्लस क्वेश्चन देने वाली हूँ आप उसे देख रहे हैं दिस इज़ पात सेवन आई गेस सो सारे के सारे वॉच कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए हैं एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर भी दे दीजिएगा मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है ठीक है और जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ओनली रूल जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज कर लेना एंड खुद से अटेम्प करना फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना ठीक है बिकॉज अदरवाइज टाइम जो है वो बढ़ जाता है वीडियो का तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने ठीक है This town isn't very well known and there is not much to see, so a few uh, tourists come here. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्योंकि अ फ्यू का मतलब होता है कुछ ठीक है और हमारे सेंटेंस से मतलब हो रहा है कि मतलब सी अ फ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड कि कुछ तो है ही पर हमारे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ना के बराबर लोग आते होंगे ओके okay? क्योंकि यार टाउन को जानता नहीं है कोई है ना और कुछ है भी नहीं वहाँ पर देखने लायक तो डोंट यू थिंक कि हमें वहाँ पर ये लिखना है सो so, जब भी आपको ये लिखना है नेगेटिव में कि ना के बराबर लोग आते हैं वहाँ पर तो उसके लिए हम फ्यू अकेला लिखते हैं और फ्यू नहीं लिखते सो दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू से क्योंकि जब यार वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ना के बराबर, बराबर ही लोग आते होंगे ना कुछ क्यों आएंगे बस वही था हमारा आंसर अ हटाना था हमको वहां से चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी सो द आंसर ओवर हियर इज क्वाइट एविडेंट तो यहाँ पर पुट ऑन नहीं होगा बिकॉज पुट ऑन मीन्स टू वेयर समथिंग ठीक है बेटा सो so, आप नोट को वेयर नहीं कर लोगे सो आई विल पुट अ नोट इन इन दिस रिगार्ड सिडरेशन की भाई आप कंसिडर कर सकें तो एक नोट हम लगा देंगे और अपना डिसीजन आप उसी के बेसिस पर ले लीजिएगा तो यूट इट ऑन आप वेयर नहीं कर लो जस्ट पुट द नोट आप लगा दोगे note को, तो ऑन तो तो वहां पर रिडन था क्वेश्चन नंबर थ्री सत्यजीत रेहू कंसीव को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर सो पर वन ऑफ तो चलो आ ही गया अब द इसलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया आ चुका है लेकिन आपको ये बात तो पता ही है कि इसके बाद जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल होता है ठीक है और अगर वर्ब इसके आगे लिखा होता तो वो सिंगुलर होता बट जब कुछ लिखा ही नहीं आगे तो ज़बरदस्ती तो लगा नहीं देंगे तो यहाँ पर सत्यजीव जिसने कंसीव किया कंसीव मतलब वो यू नो स्टोरी के मूवीज़ के जो स्टोरीज होती हैं आइडियाज़ को अपने दिमाग में पैदा किया दैट इज़ कंसीविंग को ऑथर किया बहुत सारी बुक्स को एंड बहुत सारी गुड फिल्म को भी डायरेक्ट किया ही इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स ठीक है प्लूरल नाउन आएगा चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इसी बात पे ओके सो द डिटेक्टिव सेड दैट नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन हु रोट दीज लेटर्स सो चांस ऑफ डूइंग समथिंग होता है ठीक है तो नो चांस ऑफ दिस ऐसे आप बोलते हैं चांस फॉर नहीं होता सो डिटेक्टिव ने ये कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि हम उस पर्सन को फाइंड कर ले जिसने वो लेटर्स लिखे हैं सो नो चांस ऑफ फाइंडिंग द पर्सन ठीक है चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इट इज बिलीव दैट मेंबर्स मेंोटेक्ट द लिविंग सो फैमिली मेंबर्स ज्वाइन एंसेस्ट्रल वर्ल्ड आफ्टर डेथ टू प्रोटेक्ट द लिविंग सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देर इज नो एरर एम श्योर sure आपने कुछ एरर बनाया होगा सो इट इज़ बिलीव्ड का मतलब क्या होता है कि ये बात मानी जाती है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं अपने मरने के बाद ताकि वो द लिविंग को प्रोटेक्ट कर सके अब देखिए बेटा द लिविंग यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना द पुअर मैंने आपको बताया है ना कई बार कि इस तरह से जब लिखा जाता है वो कम्युनिटी होती है सो so, बेसिकली यहाँ पर उन उस कम्युनिटी की बात हो रही है जो जिंदा है अब जैसे आप ही मान लीजिए कि आपके पूर्वज है ना आपके पूर्वज जो हैं वो ऑब्वियसली अब इस दुनिया में नहीं होंगे एंड बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे जनरेशन के जो बड़े लोग होते हैं वो जैसे जैसे उनका डिमाइस होता रहता है Uh, वो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड को ज्वाइन करते रहते हैं ठीक है थीके? जैसे पर दादा जी पर पर दादाजी uh, जो हैं जब पर दादा जी की डेथ हुई तो वो पर पर दादा जी को जाके ज्वाइन कर गए आई यू अंडरस्टैंडिंग सो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड मतलब जो आपके पूर्वजों का वर्ल्ड uh, है उसको जॉइन करते हैं अपने मरने के बाद ताकि वो द लिविंग द लिविंग कौन है हम लोग सो so, जो बाकी आ, आगे की जनरेशन है हमारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सके सो so, बेसिकली एक तरीके से यही होता है ना कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है इसलिए हम प्रोटेक्टेड रहते हैं दैट्स वॉट दिस द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से सो फैमिली मेम्बर्स एक एक करके जब डाई होते हैं तो उनको ज्वाइन करते रहते हैं एंड देन हमको प्रोटेक्ट करते हैं एंड यू शुड ऑबियसली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल हु हैव यू नो द ओल्डर पीपल हु हैव डाइड इन योर फैमिली उनसे ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए सो दैट इज वॉट दिस इज ट्राइंग टू से ओके तो द मैंने इसीलिए बता दिया द लिविंग मतलब जो लोग जिंदा हैं ठीक है ना बाकी एरर कोई भी नहीं था उसके अंदर ठीक है एज अ शेफ काजल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन महेंद्र सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अब देखिए जैसे ये मैंने आपको कई बार ऑफ कोर्स रूल तो बताया हुआ है बट एक फॉर्मेट ये होता है हमेशा ध्यान रखिएगा एज और एज के बीच में जब आप कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पॉजिटिव डिग्री में हो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है जैसे कि अगर गुड मेरा एडजेक्टिव है सो गुड बेटर एंड बेस्ट ठीक है ये हमारी तीन डिग्रीज हो गई ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई ये कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो कभी भी एज और एज के बीच में आपको यू uh, नो you know, uh, अपना पॉजिटिव के अलावा कुछ नहीं लिखना कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं लिखना ठीक है सो so, इसीलिए यहां पर गुड लगा हुआ है कहोगे कि मैम एज ही नहीं है यहां पर तो एक्चुअली में वही तो गलती है यहां पर ठीक है ना सो so, एज और एज मिलाकर जब हम लिखते हैं और उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं उसका मतलब होता है बराबर का ठीक है इसका ये मतलब है कि काज अगर मैं बोलूं कि काजल इज एज गुड एज मी इन कुकिंग ठीक है अगर मेरा ये सेंटेंस है इसका मतलब है कि जितना मैं अच्छा बना लेती हूँ उतना ही काजल भी अच्छा बना लेती है सो एज़ गुड एज इस तरह से आप लिखेंगे इसका मतलब है कि यू you नो know, जितना मैं अच्छा बनाती हूँ बराबर का एकदम काजल भी वैसा बनाती है अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि काजल मुझसे बेटर हो है ना तो अगर काजल मुझसे अच्छा बनाती होगी तो मेरा सेंटेंस ये थोड़ी हो पाएगा अब तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि काजल इज बेटर देन मी इन कुकिंग ठीक है तो दोनों में से जब एक सिचुएशन ही हो सकती है बट आप देख रहे हो कि हमने इस सेंटेंस में तो दोनों चीज़ें लिखी हैं तो एक्चुअली में एक रूल होता है कि सिचुएशन तो दोनों में से एक ही सच होगी बट कई बार क्या होता है कि हम एग्जैजरेशन में दोनों बातें बोल जाते हैं कि यू नो अगर काजल आ, मुझसे आ, जैसे यू नो बेटर नहीं है तो कम से कम बराबर तो है या उल्टा भी आप बोल सकते हो सो so, जब हमको ये बोलना होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका और आपके फ्रेंड के पापा ठीक है जो हैं वो बराबर के अमीर हैं ओके okay? तो आप जैसे ऐसे चौड़ में कभी कभी नहीं बोल देते कि यार सुनो अगर हम तुमसे ज़्यादा अमीर नहीं है तो क्या अगर हम तुमसे ज़्यादा अमीर नहीं है तो क्या कम से कम बराबर के तो हैं तो जब आप ये दोनों बातें बोलना चाहते हो कि ज़्यादा नहीं है तो क्या बराबर के तो हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मेट है ये अपना कम्प्लीटली लिखा हो वो मिसिंग ना हो उसके अंदर कुछ भी और ये जो फॉर्मेट है वो भी अपना कंप्लीट लिखा हो तो आप देख रहे हो बेटर दैन तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर एज गुड एज का एज खा गए ये ठीक है इसलिए यहां पर ये यह हमारा एरर है इनफैक्ट एरर आप इसको मार्क करेंगे बिकॉज थ्री में हम मार्क करेंगे इसको क्योंकि जब आप इसको ब्रेक दे दिया अब यहां पर आपका एज होना चाहिए था जो कि मिसिंग है ठीक है सो एज अ शेफ काजल इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन महेंद्र इसका मतलब है कि महेंद्र से बेटर नहीं है तो क्या बराबर की अच्छी तो है कम से कम ठीक है चलिए सो so, इसमें सी होगा ना कि बी ठीक ओके नेक्स्ट वन इज दिस आई लाव टन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड सो मैं उस पर हंस रही थी जैसे वो गिर गई ट्री से गिर गई और इंजर हो गई तो यू डोंट लाफ ऑन समवन, यू लाफ एट समवन, ठीक है तो गलती यहाँ पर वो है बाकी फेल ऑफ द ट्री ये वाला ऑफ बिल्कुल सही है क्योंकि ट्री से गिर गई ये तो सेपरेट हुई होगी तो सेपरेशन के लिए ये वाला ऑफ लगता है ठीक है सो लाफ्ट एट शी फेल ऑफ बाकी सब तो ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द टैक्सेज टू बी पेड आर स्टिल सपोज टू बी कैल्कुलेटेड बाई दिटीज ऑन हाउ मच दिल प्राइसिस्टेड शेयर मार्केट वैल्यू अब देखिए एक्सीड्स का मतलब ही होता है मोर देन है ना अगर कोई चीज एक्सीड कर रही है तो वो ज्यादा है उससे तो यहाँ दैन रिडेंडेंट हो गया वही आप कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो टैक्सेस पे करने वाले हैं वो अभी भी अथॉरिटीज ही कैलकुलेट करेंगी और किस बेसिस पर की कितनी सेल प्राइस है कंपनी के अनलिस्टेड शेयर की ठीक है मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से कितनी ज्यादा है तो कितनी ज्यादा के लिए एक्सीड वर्ड तो काफी है ना वहां ही तो नहीं है तो सी आंसर हो जाएगा ठीक है ओके द ब्लाइंड लाइफ इज रियली मिजरेबल बिकॉज दे कान सी वॉट हैपन्स अराउंड देम इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड इसमें एक बहुत अच्छा रूल हमारे सामने आएगा Uh, यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए अब आप कहोगे कि मैम ब्लाइंड है तो इंसान ही तो आपने अपोस्ट्रफी एस यू नो हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते सो so, आप कहोगे कि यहाँ पर ब्लाइंड जब इंसान है तो लिविंग बींग्स के लिए तो हम डेफिनेटली अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं तो यहाँ हम क्यों नहीं लगा सकते तो एक्चुअली में जब भी आप जैसे मैं अभी जैसे एक क्वेश्चन हमने इस पर एक और किया जैसे मैं आपको बोला द पुअर है ना द लिविंग तो बेसिकली जब भी हम इन नाउंस के आगे द लगाकर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे हम कहते हैं ना वी शुड हेल्प द पुअर अगर मैं ये सेंटेंस कह रही हूँ वी शुड हेल्प द पुअर अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सिर्फ एक पुअर इंसान को मुझे हेल्प करना है नहीं ना इसका ये तो मतलब नहीं है इसका ये मतलब है कि उस पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूं मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीजों को है ना जिनको जिनके बेसिक नेसेसिटीज मीट नहीं होते ये मैं उन सब की बात कर रही हूँ तो पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ तो जब भी हम पूरी कम्युनिटी की इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पर भी द ब्लाइंड जो लिखा हुआ है ये पूरी कम्युनिटी है तो उसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड है हमारा ये नाउन नहीं रह जाता ठीक है ये एडजेक्टिव बन जाता है ओके okay? सिमिलरली यहाँ पर भी अब ये ब्लाइंड जो है ना ये नाउन नहीं है इट्स एन एडजेक्टिव। अब आप एडजेक्टिव पे तो पोस्ट्रोफियस नहीं लगा सकते ना सो दैट इज वाई हम यहाँ पर ये नहीं लगा रहे इसकी जगह हमको लिखना पड़ेगा द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड ठीक है सो so हमको क्या लिखना पड़ेगा जैसे द लेग्स टेबल हम नहीं लिख सकते तो हमको द लेग ऑफ द टेबल लिखना पड़ता है वैसी द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा सो द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज रियली मिजरेबल बिकॉज दे कान सी वट है आप इसमें अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा रहे हो क्योंकि वो एडजेक्टिव है एंड इस तरह से आपको उसे लिखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि पोजेशन तो दिखाना है है ना क्योंकि लाइफ से कैसे पोजेशन दिखाओगे ब्लाइंड की लाइफ तो बोलना है तो अब ये तरीका अपनाना पड़ेगा हमको हम अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा सकते ठीक है वेरी नाइस कॉन्सेप्ट वैसे जो आपको इसमें पता चला है सो दैट इज़ इट फॉर दिस थैंकू सो मच अफकोर्स कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कोर भी बताना और ये भी बताना कि ये सीरीज़ आपको कितना हेल्प करी है ठीक है सो कॉम्बैट टेस्ट जो है वो आपको संडे को देना है एंड uh, साक्षी ट्वेंटी फोर कोड अनलॉक करने के लिए यूज़ करना है बाकी टेंथ ऑगस्ट दैट इज़ टुडे नया बैच शुरू हो चुका है बारह बजे ग्रामर का जो कि आई बी पी एस क्लर्क एस बी आई आर आर बी सभी में आपको हेल्प करेगा जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है बस उस पर क्लिक करना है और साक्षी ट्वेंटी फोर कोर्ड उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको बस नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करने ठीक है तो ट्वेल्व मंथ्स के लिए फोर मंथ्स फ्री मिल रहा है ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए सिक्स मंथ्स फ्री मिल रहा है so सो ये सब्सक्रिप्शन लेकर आ जाओ एंड बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट में प्लस uh, पर पढ़ा रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट सेशन टुमॉरो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना थैंक यू सो मच बाय बाय